व्हाट इज इंडिकेट मार्क एक्स, संकेत एक्स क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रेट ग्रेन पैरेलल टू सेलवेज, ऑप्शन बी क्रॉस ग्रेन 90 डिग्री एंगल टू सेलवेज, ऑप्शन सी ट्रू बायस 45 डिग्री एंगल टू सेलवेज, ऑप्शन डी क्रॉस ग्रेन पैरेलल टू सेलवेज, ऑप्शन ए स्ट्रेट ग्रेन पैरेलल टू सेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NW, NW का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए नेचुरल वेस्ट, ऑप्शन बी नेचुरल रिस्क, ऑप्शन सी नैरो विड्थ, ऑप्शन डी नैरो वेस्ट, ऑप्शन ए नेचुरल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट, इमेज में जो सिंबल है वो किस लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्टाइल लाइन, ऑप्शन बी ग्रेन लाइन, ऑप्शन सी फोल्ड लाइन, ऑप्शन डी कटिंग लाइन, ऑप्शन सी फोल्ड लाइन, इसको ऑन फोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज फ्लैट पैटर्न, फ्लैट पैटर्न क्या होता है? ऑप्शन ए पैटर्न जनरेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग पैटर्न, ऑप्शन बी पैटर्न जनरेटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग गारमेंट, ऑप्शन सी पैटर्न जनरेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल मेजरमेंट, ऑप्शन डी पैटर्न जनरेटेड फ्रॉम ड्रेस फॉर्म, ऑप्शन ए पैटर्न जनरेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग पैटर्न, इसमें जो पहले से पैटर्न होता है उसी से दूसरा पैटर्न बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच इज कॉल्ड फाइव पीस पैटर्न सेट, पांच टुकड़ा पैटर्न सेट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बेसिक पैटर्न सेट, ऑप्शन बी फ्लैट पैटर्न, ऑप्शन सी पैटर्न साइज, ऑप्शन डी पैटर्न पेपर। ऑप्शन ए बेसिक पैटर्न सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन गेव ऑर्नामेंटल एलिमेंट ऑन गारमेंट, परिधान पर एक सजावटी तत्व का नाम क्या है? ऑप्शन ए बाइंडिंग, ऑप्शन बी फेसिंग, ऑप्शन सी हेमिंग, ऑप्शन डी ट्रिमिंग, ऑप्शन डी ट्रिमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रिमिंग, ट्रिमिंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए रिबन, ऑप्शन बी रिक्वेस्ट, ऑप्शन सी फैंसी बटन, ऑप्शन डी बायस ट्रिमिंग, ऑप्शन ए रिबन। इसका उपयोग गारमेंट को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिमिंग, ट्रिमिंग का वर्गीकरण क्या है? ऑप्शन ए टसल, ऑप्शन बी फैंसी बटन, ऑप्शन सी रिक रैक, ऑप्शन डी बायस ट्रिमिंग, ऑप्शन डी बायस ट्रिमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ट्रिम गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द गारमेंट, कमर की रेखा पर किस ट्रिमिंग का चयन करें? ऑप्शन ए फैंसी बटन,
ऑप्शन बी टसल, ऑप्शन सी मोटिफ, ऑप्शन डी इलास्टिक, ऑप्शन डी इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रिम, ट्रिमिंग का नाम क्या है। ऑप्शन ए वायर ट्रिमिंग, ऑप्शन बी रोप और कॉर्ड, ऑप्शन सी रिबन, ऑप्शन डी मोटिफ, ऑप्शन डी मोटिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच एज फिनिश अप्लाइड ऑन ए कर्व एज, घुमावदार किनारे पर कौन सा किनारा एज खत्म किया जाता है। ऑप्शन ए लेंथ पीस, ऑप्शन बी विड्थ पीस, ऑप्शन सी कर्व पीस, ऑप्शन डी बायस पीस, ऑप्शन डी बायस पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एंगल ऑफ बायस फेसिंग, पूर्वाग्रह बायस फेसिंग का कोण क्या है। ऑप्शन ए 35 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 55 डिग्री, ऑप्शन डी 65 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ एज फिनिशिंग, एज फिनिशिंग का नाम क्या है। ऑप्शन ए फेसिंग, ऑप्शन बी बायस फेसिंग, ऑप्शन सी सेव्ड फेसिंग, ऑप्शन डी एक्सटेंडेड फेसिंग, ऑप्शन सी सेव्ड फेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच इंडिविजुअल फीचर फॉर क्लोज नेक गारमेंट, बंद गले के परिधान के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त है। ऑप्शन ए राउंड फेस, ऑप्शन बी थिन एंड लॉन्ग नेक, ऑप्शन सी गोड फेस एंड शॉर्ट नेक, ऑप्शन डी लॉन्ग स्लेंडर फेस, ऑप्शन बी थिन एंड लॉन्ग नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच मेथड ऑफ ऑपरेशन इज एक्सटेंशन ऑफ गारमेंट, परिधान का विस्तार क्या है। ऑप्शन ए बेंडिंग, ऑप्शन बी बाइंडिंग, ऑप्शन सी फेसिंग, ऑप्शन डी हेमिंग, ऑप्शन ए बेंडिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। थैंक यू।